दोस्तों तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज हाजिर हुए हैं आप लोगों की खिदमत में बहुत ही नायाब मुर्गा मुर्गी दिखाने के लिए, जो कि बहुत ही आला नस्ल और बहुत ही पुरानी यानी ओल्ड ब्लड लाइन से हैं और बहुत ही ज़्यादा यूनिक। यहाँ पे आपको हमें काफ़ी हीरा ब्लड लाइन से, इसके अलावा बोस्का और पुलिया ब्लड लाइन से जो है वो मुर्गा मुर्गी का शोक करवाऊंगा। और कुछ चिक्स हैं, यानी चिक्स तो नहीं कह सकते अब आप उन्हें, पट्ठे के लें, पट्ठे का जो है वो मैं शोक करवाऊंगा आपको। तो स्टे कनेक्टेड विद द वीडियो। बहुत ही खूबसूरत वजूद में ताज चेक करें, इसका ताज बहुत ही ज़बरदस्त ताज में। ये नस्ल कौन सी है? टिक्की नस्ल, टिक्की नस्ल है। इसके पंजे चेक करें, पंजों का शोक करें, बहुत ज़बरदस्त। इसकी एज क्या होगी? डेढ़ साल जो है वो इसकी एज है। मतलब ये ब्रीडर मुर्गा है या नहीं अभी ऐसी फाइट वगैरह? फाइटर है। सही, बहुत ज़बरदस्त। ये चेक करें नलियाँ और इसकी नोक। नस्ल कौन सी? टिक्की, टिक्की ब्रीड है ये। बहुत ही हसीन हसीन, बहुत ही प्यारे प्यारे जो है वो मुर्गे। आपको ये वन बाय वन, एक ब्रोडी हैन भी है इधर जो कि अंडों पे बैठी हुई है, और ये यहाँ पर एक मादी मौजूद है, यहाँ पर एक पट्ठा मौजूद है। तो ये सब का जो है वो आपको शोक करवाएंगे। ये देखिए, ये चेक करें, ये सब का जो है वो शोक दिखाएं। मुर्गा मुर्गी उन सब का जो है वो शोक आपको करवाया जाएगा। बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही यूनिक। जिस तरह से मैंने आपको एक पहला मुर्गा दिखाया, उसी तरह से जो है वो और भी बहुत ज़्यादा और बहुत ही प्यारे प्यारे जो है वो आला नस्ल के मुर्गे और मुर्गियाँ मौजूद हैं। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ। ये देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त मेटा जावा, ये आपको हम दिखाएं, इसका शोक करवाएं। इसकी नलियाँ चेक करें आप, बहुत ही खूबसूरत नलियों में। ये देखें इसकी नोक चेक करें, बहुत ही प्यारा। इसको जो है वो मेटा जावा भी कहा जाता है। आप इसको नीचे छोड़ें, ये चेक करें आप इसकी, ये देखें खूबसूरती चेक करें। अच्छा, इसके कुछ रिश्तेदार भी मतलब हमारे पास मौजूद हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये भी। और इसका जो अभी हमारे पास रिश्तेदारों में इसका भांजा मौजूद है, वो भी हम आपको दिखाते हैं, उसका भी आपको शोक करवाते हैं। ये चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ जो है वो यूज़ किया गया है, और दो बार जो है वो इसकी फाइट करवाई है, और ये 13 महीने का पट्ठा है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त चीज़ है ये, चेक करें का। और ये भी मेटा जावा है, और ये जो अभी आपको प्रीवियस मैंने दिखाया था, ये उसका जो है वो भांजा है। ठीक है, ये उसका भांजा है। और ये बहुत ज़्यादा, मैं आपको एक हैरानी की बात बताऊं कि भाई माशाल्लाह, ये सिर्फ और सिर्फ 7 मंथ्स का मुर्गा है। नीचे छोड़िएगा इसको, मुर्गा तो नहीं, आप इसको पट्ठा कहें। ये 7 महीने का पट्ठा है। बहुत ही प्यारी चीज़, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आप इसका कद चेक करें, बहुत ही VIP कद में, और बहुत ही प्यारी पीली नोक, पीली जो है वो नलियों में मौजूद है। ये पीली तो खैर नहीं, बोस की नलियों में मौजूद है, और इसका कलर भी बहुत खूबसूरत है। चेक करें आप, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़, मेटा कलर में आता है जी। इतनी नायाब चीज़ चेक करें, ये थोड़ा एग्रेशन में है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये काटता है। तो ये चेक करें माशाल्लाह, इसका ताज चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसकी नोक चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी नोक। ये चेक करें, वजूद में भी बहुत ज़बरदस्त है। नीचे छोड़ के दिखा दें तो व्यूअर्स को, ये चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें। अब मतलब जो है वो यहाँ पे इसमें कोई क्रॉस ब्रीड नहीं है, टोटल प्योर ब्रीड्स हैं ये सारी, प्योर असील्स हैं। ये चेक करें आप, ये देखें, ये चेक करें, बहुत ही प्यारे वजूद में। 3 टाइम्स जो है वो इसकी फ़ाइट भी करवाई है, और माशाल्लाह इसको अभी भी फ़ाइट के लिए तैयार कराए, और इसको इंशाल्लाह यानी 3 टाइम्स जो है वो विनर है ये, और इसको हम दोबारा से जो है वो भाई तैयार करेंगे फ़ाइट के लिए, और फिर इंशाल्लाह इसको दोबारा लड़वाएंगे। इसके अलावा इसकी इन्होंने ब्रीड भी हासिल कर ली है, वो मैं इंशाल्लाह जो इस वीडियो का पार्ट 2 होगा वो मैं उसमें आपको दिखाऊँगा। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़, चेक करें आप, बस शौक करें। जो शौकीन नज़र आते हैं वो तो चीज़ देख के ही समझ जाएंगे कि चीज़ क्या है। ये देखें इसकी आइस का शोक करें, ये देखें आइस चेक करें, इसकी आइस बहुत ही प्यारी आइस है। इसका जो है ये क्या कहते हैं इस ताज को? किल्ली ताज, VIP ताज है। और ये देखें बिल्कुल वाइट नोक में, और इसकी नली चेक करें, वाइट। ये ख़त्म नहीं हुए हैं अभी हमारे पास, और भी बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें आपको दिखाने के लिए। तो एक मुर्गा है बहुत ही VIP, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, भाई के पास बहुत ही अच्छी हाइट में मुर्गा है, और बहुत ही VIP वजूद में जो है वो मुर्गा है। चलें अब आपको उसका भी शोक करवाते हैं और आगे दिखाते हैं वो मुर्गा। ठीक है, तो अभी ये जो बोस के कलर में या थोड़े थोड़े वाइट कलर में जो है वो जिनका हमने शोक कर दिया, एक हीरा भी आपको दिखा दिया। अब एक नई चीज़ दिखाने वाले हैं, तो भाई
वीडियो के साथ जुड़े रहें और देखते रहें कि बहुत ही प्यारी चीज़ है, तो मैं अब आपको दिखाने लगा हूँ वो चीज़। बहुत ही ज़बरदस्त नस्ल है और ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी नस्लों में से शामिल है, मतलब मदारी नस्ल है, बहुत पुरानी नस्ल है। अगर जो शौकीन हज़रात मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो ये चीज़ पहचान गए होंगे कि भाई मदारी नस्ल में से जो है वो ये मुर्गा है। माशाल्लाह बहुत ही पुरानी नस्ल और बहुत ही आला नस्ल की जो है वो ये चीज़ है। चेक करें माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हाइट में भी है, ये ज़बरदस्त चीज़ है। देखें इसकी आइज़ देखें, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ब्लैक कलर का जावा, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, जावा काला जावा जिसको वो कहते हैं। ठीक है भाई, ये पट्टा है माशाल्लाह। कितने एज का है ये? 6 से 7 महीने का जो है वो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा पट्टा है ये। ये चेक करें इसकी ये चीज़ देखें, शेड चेक करें आप माशाल्लाह, कुदरती जो है वो किस तरह से जो है वो ब्लैक कलर का इसके ऊपर शेड आ रहा है। ये देखिए इसकी नोक चेक करें आप, ये बहुत इंजॉय हुआ होगा और बहुत पसंद आया होगा। बहुत ही ज़्यादा यूनिक चीज़ आपको मैंने अभी दिखाई है। मदारी एक बहुत ही पुरानी ब्रीड है जहाँ तक मुझे पता है, और उसमें से जो है वो ये माशाल्लाह मुर्गा है हमारे पास। अभी अभी एक और चीज़ का आपको शोक करवाते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह वीडियो को एंड करेंगे। और अभी ये वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, इसका पार्ट 2 भी है, तो इंशाल्लाह आपको पार्ट 2 कल मौसूल होगा। लेकिन फिलहाल अभी इस वाली वीडियो को जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि एक मुर्गा और है जिसका हम आपको शौक करवाते हैं। बारे में मैं आपको बताऊँ कि एक बहुत ही ज़्यादा फेमस मुर्गा जो कि लियारी का फेमस मुर्गा रहा है, कालू कौवा, सॉरी कौवा जो है वो बहुत ज़्यादा लियारी का फेमस मुर्गा रहा है। उसकी जो है वो ये माशाल्लाह ब्रीड है, और इसके और भी जो है वो मतलब जो है वो बहन भाई मौजूद हैं यहाँ पे। और अगर लियारी में जो भी रिहाइश पज़ीर हैं और अगर वो जानते हैं इसके बारे में कि जो कौवा है वो बहुत ज़्यादा फेमस रह चुका है, उसके बहुत ज़्यादा प्राइसेस भी लग चुके हैं, लेकिन भाई ने वो नहीं दिया। बहुत ही बेहतरीन फ़ाइटर था अपने वक्तों का और फाइट करता रहा है वो। अब अनफॉर्चुनेटली वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, तो लेकिन उसकी ब्रीड्स जो है वो भाई के पास मौजूद है और बहुत ही प्यारी ब्रीड्स मौजूद हैं। आप इसकी ये चेक करें कि ये अलग ही अपने वजूद में बता रहे हैं कि ये एक बड़े और पक्के मुर्गे का बच्चा है। ये चेक करें, ये देखें बहुत ज़बरदस्त चीज़। वो आपको तमाम मुर्गों का शौक करवा दिया गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा आला नस्ल के मुर्गे मौजूद थे हमारे पास, उन मुर्गों का शौक करवा दिया गया है। अब आपको आगे जो है वो मादियों का शौक करवाते हैं, तो वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है, नेक्स्ट पार्ट आपको इंशाल्लाह कल मौसूल होगा। तो वेट फॉर द पार्ट 2।